आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूरी खबर, अब 1 अप्रैल से पीएफ पर भी लगेगा टैक्स, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसानों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा अब राजनीतिक पार्टियों के फ्री के वादों पर लगाम लगाई कि सरकार पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा छात्राओं को सरकार का तोहफा, आप सभी छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब राशन तोल में कांटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, सरकार ने बनाया है जरूरी नियम। राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, यहाँ पर राशन की दुकान पर कांटेदार गड़तोली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी EPOS उपकरणों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़तोली को रोकने के लिए कदम उठाया है। वही सरकार का कहना है कि यह संशोधन NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से यहाँ पर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, अब PF खाते पर भी लगेगा टैक्स। अगर आप नौकरी पेशा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में आपका खाता है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल नौकरी पेशा लोगों के लिए PF का पैसा उसकी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर होती है। जब तक आप नौकरी में रहते हैं तब तक हर महीने आपके वेतन का कुछ हिस्सा यहाँ पर PF में जमा होता है। जब आप रिटायर होते हैं तो एक अच्छी खासी रकम आपके पास यहाँ पर होती है, जिन्हें यहाँ पर उन्हें पैसों के दम पर आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन समय समय पर EPFO के नियमों में यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर होते रहते हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल PF खाते के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। दरअसल सरकार ने जब PF में जमा रकम के मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसमें यहाँ पर पिछले साल सितंबर में सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई यहाँ पर किया था, जिसके तहत अब PF जो अकाउंट्स है उसको 2 हिस्से में बांटा जाएगा। अगर महीने में जमा होने वाला PF आपकी साल भर में आपको 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसके ऊपर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स यहाँ पर देना होगा, यानी इनकम टैक्स के दायरे में आपका जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा। वही नए नियमों से छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स को पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, यानी अगर आपकी सैलरी कम है और एवरेज यहाँ पर सैलरी है तो आपको इस नए नियम का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बताया है नाइट कर्फ्यू, प्रदेश में कोरोना केसेस में गिरावट के चलते लिया गया है फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में गिरावट यहां पर आई है, जिसके चलते प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना के चलते लगाए गए नाइट कर्फ्यू को हटाने का ऐलान किया है। दरअसल राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है इसके मुताबिक प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू पूर्णतः से खत्म कर दिया गया है। इससे पहले प्रदेश में यहाँ पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, जिसकी टाइमिंग में पिछले हफ्ते 13 फरवरी को 1 घंटे की राहत यहाँ पर दी गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब प्याज नहीं रुलाएगा, महंगाई के आंसू, कीमतों पर लगाम लगाने को केंद्र सरकार ने उठाया ये कदम। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमतों में हो रहे इजाफे को देखते हुए अब केंद्र सरकार हरकत में आ चुकी है। वही प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों जहां पर प्याज के दाम बढ़ रहे हैं वहां पर बम्पर स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है। वही बम्पर स्टॉक के तेजी से बाजार में आने से यहां पर प्याज की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्याज की कीमतों में कई बार यहाँ पर होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, इसलिए सरकार ने इस बार बाजार में प्याज की कम आपूर्ति को देखते हुए यहाँ पर पहले ही प्रबंध करना शुरू कर दिया। इसलिए अब राज्यों को प्याज का बम्पर स्टॉक सुनियोजित और लक्षित तरीके से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है, जहाँ दाम पिछले महीने के मुकाबले बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तब राजनीतिक पार्टियों के फ्री वादों पर लगेगी लगाम, पूरा न करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मान्यता रद्द।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर यहाँ पर की गई है, जिसमें केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें आवश्यक तर्कसंगत घोषणा पत्रों के वादों के लिए जवाबदेही बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। वह याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर यहाँ पर की थी। वह याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह को जब्त करने और चुनाव वी घोषणा पत्र में किए गए अपने आवश्यक तर्कसंगत वादों को पूरा करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता जो है विरोध करने का निर्देश की मांग यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार का तोहफा, सभी को मिलेगा 25,000 रुपए। पढ़ी लिखी छात्र छात्रा जो आत्मनिर्भर हो चुकी है और पढ़ाई करने के बाद उन्हें पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े तथा ग्रेजुएट छात्राएं सरकार से मिलने वाले रूपों से नौकरी के लिए आवेदन, खर्च और पतियों की तैयारी आदि कर सके, इसके लिए छात्रों को सरकार पैसे यहाँ पर दे रही है। इतने नहीं, सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इस तरह की योजना के पीछे सरकार की मंशा है कि छात्राओं को प्रोत्साहित करना और पढ़ाई लिखाई की दिशा में उसे आगे बढ़ाना है। वही सरकार ने एक ऐसी यहाँ पर योजना बनाई है जिसके अंतर्गत ग्रेजुएट छात्राओं को यहाँ पर 25,000 रुपये सरकार देती है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाले छात्राओं को सरकार 25,000 रुपये देती है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित महाविद्यालय से ग्रेजुएशन यहाँ पर किया हो। वही बालिका स्नातक प्रोत्साहन जो योजना है उसके तहत रुपए सीधे छात्रा के बैंक खाते में आते हैं। इसके लिए यहाँ पर छात्राओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए ई कल्याण की वेबसाइट पर जाकर उसमें क्लिक करें, वहाँ ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर किया जा सकता है। जानकारी के तहत इस योजना के तहत वही छात्र जो छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती है जिन्होंने 25 अप्रैल 2018 के बाद ग्रेजुएशन पास कर लिया। वही फॉर्म भरने के लिए छात्राओं को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज फोटो है और पते के लिए कोई भी आईडी यहाँ पर मार्कशीट की यहाँ पर देने की जरूरत है। ये बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में कोरोना केसों में गिरावट का दौर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में मिले हैं 22,270 नए कोरोना केस। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम सी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 22,270 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान 325 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 2% से कम हो गई है। वही कल के मुकाबले नए केसों में 14% की गिरावट आई है। इससे एक दिन पहले 25,920 नए कोरोना केस सामने आए थे। वही देश में करीब 1.5 महीने बाद यहाँ पर COVID-19 के एक्टिव केस जो घटकर अब 3 लाख से नीचे आ चुके हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के जो टीके खुराकों की संख्या शुक्रवार को यहाँ पर 174 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। वही मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार शाम को 7 बजे तक 32 लाख से अधिक लोगों को कोरोना खुराक दी गई है। वह स्वास्थ्य कर्मियों और आगामी पंक्ति के कर्मियों को और 60 साल तथा इससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक 1,86,00,000 से अधिक एहतियात खुराक के यानी बूस्टर डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 7,780 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 64,56,000 पार हो चुकी है। इसके अलावा 101 लोगों की मौत भी अब तक 63,000 से अधिक मृतकों की तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है। वही बृहस्पतिवार को 21,000 से अधिक लोग उभरे भी है। वही ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या अब यहाँ पर 63,06,000 पार यहाँ पर हो चुकी है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 707 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों को 1,18,54,000 पार हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर मृतकों की तादाद यहाँ पर 26,000 के आसपास है। वही छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 300 करोड़ नए सामने आए हैं नए केस। वही कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 11,48,000 के आसपास पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3 रोगियों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। वही अब तक यहाँ पर मृतकों की संख्या भी 1,421 हो चुकी है। वही देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में अब लगातार गिरावट का दौर जारी है। यानी अलग अलग देश यहाँ पर अलग अलग राज्यों के अंदर कोरोना के मामले जो है लगातार यहाँ पर कम हो रहे हैं, जो कि एक राहत वाली खबर निकल कर आई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकारों की ओर से भी यहाँ पर जो पाबंदियाँ हैं उनमें यहाँ पर ढील दी जा रही है। वही कई राज्यों में पाबंदियों में यहाँ पर सरकारों की ओर से यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और दूसरे जो बड़े यहाँ पर प्रतिबंध है उनको भी हटाया जा रहा है।